वाली इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। प्रो कबड्डी का 2023 सीजन शुरू हो चुका है। सीजन 10 के पहले दिन दो मैच भी हो गए हैं। आज बात करेंगे अब दूसरे दिन की। दो मैचेस आज फिर से हैं, किसके बीच है? पहला मैच है तमिल थलाइवाज और दबंग दिल्ली के बीच। तो गुजरात लगातार दूसरे दिन अपना दूसरा मैच खेल रही है बेंगलुरु बुल्स के साथ। क्या स्टार्टिंग सेवन होने जा रही है? एक ही वीडियो में बात करता हूं सारे फंडे की, मतलब दोनों मैचेस की। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या स्टार्टिंग सेवन होगी, कौन से प्लेयर इंपोर्टेंट रहेंगे, क्या कोई ऐसे प्लेयर निकल के आने वाले हैं जिनके बारे में आपने नहीं सुना है, फैंटेसी टीम क्या होगी। ऑब्वियसली दोनों मैचेस की सेपरेट आपको दो दो टीम दूंगा, एक स्मॉल लीग की एक ग्रैंड लीग की। तो वीडियो को आपको क्या करना है, लास्ट तक देखना है, अपना प्यार देना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के पहले मैच भी, तमिल थलाइवाज और दबंग दिल्ली के बीच मैच है। मैं कमेंटेटर डॉक्टर सुनील तनेजा जी के साथ दिल्ली के कैंप में गया था, युवा प्लेयर्स कुछ देखे थे मैंने वहां पे जो अच्छा कर रहे थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या उनको स्टार्टिंग सेवन में जगह मिल पाएगी। इस मैच के हिसाब से देखो तो मुझे थोड़ा सा चांसेस कम लग रहे हैं। क्यों कम लग रहे हैं, स्टार्टिंग सेवन से देख लेते हैं। दिल्ली के अगर स्टार्टिंग सेवन की बात करें तो लेफ्ट कॉर्नर पे इनके पास इनके उप कप्तान हैं जो कि हैं विशाल भारद्वाज, और उनके साथ राइट कॉर्नर पे, मतलब कॉर्नर्स की जोड़ी अच्छी है, सुनील नरवाल है। तो अनुभव है इनके पास कॉर्नर्स पे, लेकिन कमियां जो हैं वो हैं कवर्स में। कवर्स पे वो पूरी तरह से दो युवा कंधों के ऊपर डिपेंड है, बाला साहेब यादव है। दूसरी तरफ चांसेस ये हैं कि हिम्मत अंतिल करेंगे शुरुआत। अगर बात करें रेडिंग में, यहां विकल्प बहुत सारे हैं। नवीन कुमार तो श्योर शॉट है, टीम के कप्तान भी हैं, स्टार्ट करेंगे। आसू मलिक क्योंकि ऑलराउंड एबिलिटी है, थोड़ा डिफेंस भी कर लेते हैं, इसलिए एक और बढ़िया ऑप्शन। टाई है मीतू शर्मा या मंजीत शर्मा के बीच में, कौन सा शर्मा जी का लड़का खेलेगा? तो मुझे लग रहा है कि यहां पे मीतू बाजी मार जाएंगे मंजीत के ऊपर। अनुभव ज्यादा है, हरियाणा स्टीलर्स में खेल के आए हैं। तो मुझे जो लग रहा है इस मैच में एटलीस्ट स्टार्टिंग सेवन में जो जगह लेकर आएंगे अपनी, वो लेकर आएंगे मीतू शर्मा। अगर बात करें हम दूसरी तरफ इनके ओपोनेंट मतलब तमिल थलाइवाज का, उनका स्टार्टिंग सेवन क्या होने जा रहा है, तो साहिल गुलिया लेफ्ट कॉर्नर पे रहेंगे, राइट कॉर्नर पे रहेंगे सागर राठी। सागर साहिल की जोड़ी एज ऑलवेज कई सीजन से लगातार चल रही है, इस बार भी कुछ नया नहीं है। मोहित जाखड़ लेफ्ट कॉर्नर पे, लेफ्ट कवर पे, तो एम अभिषेक राइट कवर पे रहेंगे। रेडर्स में आजिक्य पवार और नरेंद्र कंडोला तो ऑटोमेटिक चॉइस है। तीसरा जो रेडर है उसके लिए दो हिमांशु है इनके पास, लेकिन जो मुझे लग रहा है जिस प्लेयर का चांस है, बहुत सारे लोगों से मैं उनके बारे में सुन चुका हूं और युवा है, उसके बावजूद उनको 32 लाख में खरीदा तमिल थलाइवाज ने, वो है मसन मुथु लक्षणानंद। मैं तनेजा जी के साथ ही था, किसी से बात कर रहा था तो बता रहे थे कि भाई लक्षणानंद बहुत बढ़िया खेलता है, साउथ इंडिया में काफी नाम है उस बंदे का, लोकल फ्लेवर भी लेके आए। तो लक्षणानंद एक बढ़िया चॉइस, या कह सकते हैं कि जो कुछ सरप्राइज एलिमेंट इस सीजन के रहेंगे ना स्टार्स, उनमें से एक मसन मुत्तू लक्षणानंद हो सकते हैं अगर लगातार मौका मिले तो। पूरी पूरी चांसेस हैं कि पहले ही मैच में स्टार्टिंग सेवन में मसन मुत्तू लक्षणानंद खेलेंगे। तो ये स्टार्टिंग सेवन हो गया तमिल थलाइवाज का। अब इसी मैच की फैंटेसी टीम पे चलते हैं, फिर दूसरे मैच पे मैं आऊंगा। तो इस मैच की फैंटेसी टीम की अगर हम बात करें तो दोस्तों आपको विजन इलेवन पे खेलना है, बहुत बढ़िया ऐप है, बहुत शानदार ऐप है। वीडियो उसका जो ऐप है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में दे रखा है, क्लिक करके जुड़ जाना, बड़ा आसान सा तरीका है ये, ठीक है। अब इसमें आगे क्या है, आगे आपके लिए ये है कि कबड्डी खेलें, क्रिकेट खेलें, हॉकी खेलें, कुछ भी खेलें, फुटबॉल खेलें, इस ऐप पे 7-4 से खेलें या 10-1 से खेलें, वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। ग्रैंड लीग बहुत बड़ी होती जा रही है, बड़ी बहुत बड़ी होती जा रही है, तो ग्रैंड लीग भी जरूर खेलें। हम स्मॉल लीग ग्रैंड लीग पूरा विजन इलेवन पे ही कवर करेंगे, लिंक विजन इलेवन का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मैंने डाला हुआ है, क्लिक करके जुड़ जाना। फटाफट आपको फैंटेसी टीम की तरफ लेके चलता हूं, पहले डिस्कस कर लेते हैं स्मॉल लीग टीम। तीन डिफेंडर्स लेके जा रहा हूं, सागर साहिल की जोड़ी और विशाल भारद्वाज को लेके जा रहा हूं, मतलब मैं यहां पे अनुभव और ट्रस्ट पे ही रिलाय करके जा रहा हूं। फिर उसके बाद जो अगला ऑप्शन आता है वो है मेरे पास आसू मलिक का, ऑलराउंडर्स में जो ऑलराउंडर चॉइस है वहां आसू मलिक को लेके जा रहा हूं। रेडर्स में आजिंक्य पवार, नरेंद्र कंडोला और नवीन कुमार। अब इसमें एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट क्या है,
ट्विस्ट ये है कि नरेंद्र कंडोला को कैप्टन बनाया है, नवीन कुमार को वाइस कैप्टन बनाया है मैंने। आप कहेंगे ऐसा क्यों करते हैं, नवीन तो कैप्टन चॉइस है। बिल्कुल है, पिछले सीजन नवीन बोनस भी बहुत खेले थे। अगर वैसी पॉलिसी रही कि भाई आसू मंजीत या आसू मीतू आप टच पे खेलिए, मैं बोनस पे खेलूंगा ताकि मैं मैट पे रहूं, जैसा फजल ने डिफेंस में किया था पिछले सीजन, तो फिर नवीन वाइस कैप्टनसी की चॉइस ज्यादा बेटर रहेंगे इंस्टेड ऑफ कैप्टनसी। नरेंद्र कंडोला कैप्टन इसलिए भी क्योंकि दिल्ली के डिफेंस में थोड़े छेद मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। आजिंक्य पवार अभी के लिए है, हो सकता है अगर मसन मुत्तुलक्ष्णन का नाम आ जाता है स्टार्टिंग सेवन में तो मैं आजिंक्य पवार को उनसे रिप्लेस कर दूं, लेकिन उसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम पे जुड़ना पड़ेगा और उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे रखा है। फाइनल टीम में आपको क्रिकेट और कबड्डी की वहीं देता हूं। ये स्मॉल लीग टीम होगी। अब इसके ग्रैंड लीग वर्जन की तरफ चलते हैं। बहुत बल्दाव नहीं किए मैंने, सेम टीम रही है, बिल्कुल सेम टीम है, सिर्फ और सिर्फ आजिंक्य पवार की जगह मसन मुत्तुलक्ष्णन को मैंने डाल दिया है और ये आपकी ग्रैंड लीग टीम बन गई। कैप्टन वाइस कैप्टन भी नरेंद्र और नवीन ही है, क्योंकि नवीन को कैप्टन इतने लोग बना के जा रहे हैं, नरेंद्र को सिर्फ इतने लोग बना के जा रहे हैं, तो वहां हम ऑलरेडी स्मॉल लीग में ही एडवांटेज ले चुके हैं, ग्रैंड लीग में भी उस चीज का एडवांटेज हम लेके जाने वाले। आगे चलते हैं और चलते हैं दूसरे मैच की तरफ। अब दूसरा मैच क्या कह रहा है, दूसरा मैच है गुजरात जो कि आज खेल रही है और उसके साथ आपका बेंगलुरु बुल्स। गुजरात के स्टार्टिंग सेवन से शुरुआत करता हूं। बड़े दिलचस्प कुछ काम किए, प्रतीक दहिया को स्टार्टिंग सेवन में गुजरात ने अपने पहले मैच में नहीं खिलाया, उनकी जगह एक ऑलराउंडर है भी, नवी बक्स और रोहित गुलिया दोनों ऑलराउंडर्स को ले लिया और चार डिफेंडर्स लिए। क्यों लिए वो तो जब मैच का रिजल्ट आ जाएगा तब पता लगेगा, लेकिन पॉलिसी मुझे लग रहा है ऐसा है कि पवन को रोकना है, पवन रोक लिया तो तेलुगु टाइटंस हार जाएगा और ये सबको पता है कि अगर पवन रोक लिया तो तेलुगु टाइटंस हार जाएगा, इसीलिए डिफेंस है भी जा रहा है कि किसी ना किसी के तो हत्ते चढ़ने वाले हैं पवन। तो फजल अत्रा चली, सोमवीर गुलिया, अरकम शेख, रवि अरकम शेख और उनके साथ सौरभ गुलिया, फिर उसके बाद राकेश संगरैया, मोइन नबी बख्श और रोहित गुलिया, मतलब सात में से तीन गुलिया साहब है इस टीम में। इसी कॉम्बिनेशन के साथ जा रहा है गुजरात गया है। अब सेम कॉम्बिनेशन ये अगले मैच में बेंगलुरु के खिलाफ भी उतारेगा मुझे नहीं लगता, टू बी ऑनेस्ट मैं बता रहा हूँ, थोड़ा रेडिंग है भी जाएंगे, या तो अगर प्रतीक को कुछ इंजरी का है वो पूरा मैच आज का होगा तो पता लग जाएगा, लेकिन क्योंकि बेंगलुरु का जो रेडिंग है वो एज ए यूनिट बहुत अच्छी है, तेलुगु का जो रेडिंग है वो बहुत हद तक पवन पे डिपेंड है, तो इसलिए यहां आप डिफेंस है भी जा सकते हैं। बेंगलुरु के खिलाफ आपको स्ट्रेटजी थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी, तो एक दो बदलाव आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टार्टिंग सेवन में। दूसरी तरफ अगर बात करूं मैं बेंगलुरु की स्टार्टिंग सेवन की, अमन सौरभ की जोड़ी कॉर्नर्स पे रहेगी रहेगी, विशाल लाठर सुरजीत का अनुभव कवर्स पे आपको दिखेगा, भरत हुड्डा की जगह पक्की है। आगे बात आती है कि विकास कंडोला, अभिषेक सिंह और नीरज नरवाल में से कौन से दो खेलेंगे। अब देखो समस्या क्या है, समस्या ये है भरत हुड्डा पिछले सीजन बेंगलुरु के स्ट्राइक रेडर बन के उभरे, विकास कंडोला जब हरियाणा स्टीलर्स में खेला करते थे तो स्ट्राइक रेडर की हैसियत से खेला करते थे, अभिषेक सिंह जब यू मुंबई में खेला करते थे तो स्ट्राइक रेडर्स की हैसियत से खेला करते थे, मतलब तीनों स्ट्राइक रेडर हैं। अब इसमें से आप किसको सपोर्ट रोल देंगे, ये बिल्कुल ऐसे है कि भाई आपने एक ही फिल्म में शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान को क्या कर लिया, कास्ट कर लिया। अब आप बता दीजिए कि इनमें से भाई साहब आप किसको खिलाएंगे किसको नहीं खिलाएंगे, या किसको आप सपोर्ट रोल देंगे किसको मेन रोल देंगे, किसको कहेंगे तू लीडर है पैक का। तो लीडर तो मुझे लग रहा है भरत हुड्डा ही रहेंगे, लेकिन विकास और अभिषेक को नीरज नरवाल से आगे शायद मौका मिल जाए, और नीरज नरवाल पिछले साल क्या खेले थे इनके एक दो मैच में, तो रणधीर सिंह सिरावत ने उनको मुझे याद है कि लीड रेडर बना दिया था और उन्होंने सुपर टेन भी लगाया था, तो यार उनकी भी कोई गलती नहीं है। खैर बड़ा सीजन है, सबको मौका मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी के लिए बेंगलुरु का यही स्टार्टिंग सेवन जाने की बात है। चलते हैं फैंटेसी की तरफ। उम्मीद है आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, टेलीग्राम पे भी जुड़ जाएंगे और उसके अलावा विजन इलेवन पे भी जरूर जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो चलो फैंटेसी की तरफ चलते हैं। डिफेंस में मैं यहाँ पे अमन सौरभ की जोड़ी को लेके जा रहा हूं और उनके साथ फजल अत्रा चलिए। आप क्या कर सकते हैं, अमन की जगह आप सौरभ या सोमवीर या अरकम शेख, नवी बक्स, रोहित, आप किसी की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है अमन, अमन सौरभ की जोड़ी है और फिर फजल अत्रा चलिए। रोहित गुलिया के रूप में एक ऑलराउंडर में लेके जा रहा हूँ, तीन रेडर भरत, विकास और प्रतीक दहिया। प्रतीक दहिया पहले मैच में नहीं खेले, प्रतीक दहिया को हटा देते हैं, राकेश संगरोया, सॉरी मैं गलत बोल गया, भरत, विकास और राकेश संगरोया के साथ मैं जा रहा हूं रेडर्स में। ठीक है, ये आपकी होगी रेडिंग टीम।
और वाइस कैप्टन, कैप्टन तो भरत, वाइस कैप्टन या फिर राकेश संग्रह, या अब विकास के बारे में बात कर लेते हैं। विकास और अभिषेक में से ज्यादा रेड किसको मिलेंगी, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ये कहिए कि 40 रेड अगर हम माने तो कोच साहब कहेंगे कि ठीक है 15 तो होगी भरत की और 25 आप दोनों आपस में बांट लो, तो अभिषेक और विकास। लेकिन विकास अभिषेक से ज्यादा चुस्त दुरुस्त है, हालांकि अभिषेक मेरे पड़ोसी हैं, मेरे जाति भाई भी हैं एक्चुअली, और अभी रिसेंटली लोकल टूर्नामेंट्स में काफी खेले भी हैं और लोग कह रहे हैं फिट हैं, फॉर्म भी है, तो हो सकता है कि विकास से आगे अभिषेक खेल जाए, वो भी एक चॉइस है। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग विकास कंडोला को मैं लेके जा रहा हूँ। इसकी ग्रैंड लीग टीम अगर आप बताने बनाने जाओगे तो मैंने किया कि अमन की जगह लेकर आ गया मैं सुरजीत सिंह को, रोहित पुलिया की जगह लेके आया मोहम्मद नबी बख्श को, और विकास कंडोला की जगह लेके आया अभिषेक सिंह को, कैप्टन भरत फिर से, वाइस कैप्टन सौरभ नंदल। मेरे हिसाब से मैच ये वाला बैंगलोर जीतने वाली है। इस तरीके से आज के दोनों मैचेस का एनालिसिस ये आपके क्या सेवा में हाजिर हो गया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, या लग रहे होंगे, आगे ये लाइट की क्वालिटी अच्छी नहीं है आई नो, आगे इस क्वालिटी को और इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। और अगर आप कुछ और चाहते हैं मेरे से किसी प्लेयर विशेष के बारे में या कुछ, तो वो भी कमेंट करके बता दीजिएगा। फिलहाल इजाजत, टाटा बाय बाय, जय माता दी।